हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आपके सामने हम 20 सवाल लेकर आए हैं। ये आपके लिए TGT के लिए इम्पोर्टेंट है और UPTET के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उर्दू के सभी इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मर्सिया कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा तस्वीर दर्द। ओके ठीक, अगला सवाल खेलते हैं। किस जमाने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पसंद पहुँचे। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मीर सौदा के दौर में। अगला सवाल है, लखनऊ में मसफ़ी की किस शायर से शायराना रकाबत थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संडे इंसा, ठीक है। अगला सवाल है, मौजना अनीस दबीर के मुसन्निफ़ कौन है। सही जवाब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अल्लामा सिवली नुमानी। सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1817 में पैदा हुए सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, शायर बेदाना किसको कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मजमून को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला ऐलाननामा कहाँ तैयार हुआ। तो आप यहाँ पे यह बात याद रख लीजिए, यहाँ पर आपसे ऐलाननामा पूछ रहा है, ठीक है, ऐलाननामा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये हुआ था पहला ऐलाननामा हमारा लंदन में तैयार हुआ था। और जब पूछेगा कि पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो वो लखनऊ में हुई थी। देखो, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, और ऐलाननामा लंदन में। पहला ऐलाननामा लंदन में और पहली कुलीन कॉन्फ्रेंस लखनऊ में। ये बात आप याद रखिए, जहन नशीन रख कर लीजिए आप। नाच के इश्क लब की क्या कहिए, पंखुड़ी या गुलाब किसी है। इस शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, तस्बीह, तस्बीह का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, हयाती और असलूबियाती तनकीद के लिए कौन मशहूर है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा गोपीचंद नारंग। देख लीजिए, जो आपका जो सिलेबस हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। उसमें नावल है, अफसाना है, हाँ, नज्म है, नज़्म है, नावल है, और दास्तान है, मसनवी है, मरसिया है, ठीक है। तो सभी पर धीरे धीरे तैयारी होगी उस पर। और इसी तरह से हम सवाल लेते आएंगे आपके लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है सब्जेक्ट, ठीक। कमरुल हुदा दारुल किताब कौन से ग्रुप हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरूफ कमरी, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, हरूफ कमरी, हरूफ शमसी, हरूफ शम्स, ठीक है, इसका जवाब सी है। अगला सवाल, अनारकली ड्रामा के तख्लीककार कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्तियाज अली ताज। अगला सवाल है, मसनवी सैफुल मुल्क बदीउल जमाल का सन तख्लीक क्या है। यहाँ पे बताइए आप, इसका सही जवाब हो जाएगा 1035 हिजरी, ठीक है। ये जो सारे सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही आसान दिख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ये आसान सवाल गलत हो जाते हैं। इस वजह से इसको आप अच्छे से जहन नशी कर लीजिए, ताकि मिस्टेक का कोई क्या सवाल ही ना रहे, ठीक है। दर्द मिन्नत किस दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इस शहर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है। चार दिए गए यहाँ पे, देख लीजिए। ऑप्शन सी, तजाद, ठीक है, अच्छा बुरा यहाँ पे देख लीजिए, बोल दिया गया है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। जहाँ पर अपोजिट बात हो, जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ बात हो, तो वहाँ समझिए तजाद है। दिन और रात, सुबह शाम, अच्छा बुरा, इस तरह से क्या तजाद की बात हो रही है ना, गर्म ठंडा, ठीक।
ये 20 सवाल हम आपके लिए लेकर आए थे, 20 सवाल आपके लिए कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी बता दें कि तैयारी शुरू हो गई है और हमारे चैनल पर क्वेश्चन मॉक टेस्ट भी होंगे, ठीक है, जैसा होता था रात में 9:30 बजे, वो भी हम शुरू करेंगे, और इस तरह से वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब आप सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कैसे आप अपने आप सपने को पूरा करना है, क्या दावेदारी आप पेश करेंगे कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। मेहनत आप करिए, बाकी हमारे तरफ से जितनी हो सके हम मेहनत करेंगे, आप भी साथ दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।